वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा तो बाहर का मौसम मैंने आपको दिखा दिया अपने प्लांट्स भी मैंने आपको दिखा दिए तो सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई हूँ किचन में और आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर तो उसके लिए देखिए जो पालक था ना इससे मैंने ये डंडल निकाल लिए हैं और पत्ते पत्ते अलग रख दिए हैं और इन पत्तों को अब हमें धोना है अच्छे से दो से तीन पानी से क्योंकि इसमें कीड़े लगने का भी रहता है और मिट्टी वगैरह भी बहुत होती है तो धोने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े बर्तन में मैंने पानी रख दिया है गैस पर और इसमें हमें ये सारे पत्ते डाल देने हैं अभी आपको पानी थोड़ा कम लग रहा होगा मतलब जब ये पत्ते गर्म पानी गर्म होगा तो पत्ते गल जाते हैं तो इसीलिए आधा पतीला मैंने ये भर के पानी लिया है और उसमें मैंने पालक के पत्ते डाल दिए और ढक दिए साथ के साथ मैं करूँगी अब तड़के की तैयारी जिसके लिए मैंने दो प्याज दो टमाटर अदरक लहसुन ले लिया है और और ये देख लीजिए पाँच मिनट के बाद हमारा पानी जो है वो खोलने लग जाता है तो जब हमारा पानी खोलने लग जाए तो हम गैस को कर देंगे बंद और पत्ते जो हैं ये हमें बिल्कुल पकाने नहीं हैं बस हल्के से सॉफ़्ट हो जाए तभी पालक पनीर का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है तो पत्तों को मैंने छन्नी में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए रख दिया है साथ के साथ अब हम यहाँ तड़के की तैयारी करेंगे तो पहले हम मसाला भून लेंगे एक बड़ी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर तेल लिया है और उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक को मैंने डाल दिया है कुछ सेकंड्स भूनने के बाद यहाँ प्याज को मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है प्याज को भी हम भून लेंगे तो हमें इसका पेस्ट बनाना है इसीलिए हम अभी रफ्ली चॉप करेंगे हर चीज़ को और उसके बाद भूनेंगे बिल्कुल कम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो देख लीजिए प्याज जब हमारी पिंक सी हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे जैसा आप देख सकते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना है बस टमाटर भी ऐड कर दिए रफली चॉप किए हैं और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नमक ताकि हमारे टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए और ये जो ग्रेवी बने थोड़ी सी मतलब नम नमकीन बने फीकी ना बने तो बस यहाँ हमने क्या किया है एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है बस अच्छे से मिलाएंगे और जब ये सॉफ़्ट हो जाए उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसे पीस लेंगे और उसके बाद देखिए उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है सरसों का और ये वो मैंने पेस्ट बना लिया था जो मसाला हमने भुना तो बस जैसे ही हमारा तेल गर्म हुआ उसमें सूखी मिर्चें ज़ीरा ऐड किया क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो यहाँ पर उसके बाद डायरेक्ट वो मसाला ऐड कर दिया है अच्छे से भुनेंगे मतलब आप देख सकते हैं जब तक हमारा तेल थोड़ा सेपरेट ना हो जाए ना तब तक भुनेंगे उसके बाद मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले ऐड किया है नमक नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो उसके बाद हल्दी जीरा पाउडर धनिया पाउडर और देगी मिर्च बस इतने मसाले काफ़ी है और थोड़ा सा अगर गर्म मसाला आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अदरवाइज़ इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मतलब जब ये मसाला पूरा पाइंड हो जाए हमारा जब ये मतलब बिल्कुल एकदम चिकना सा बन जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे पालक जो हमने ग्राइंड करके रखा है और देखिए पालक का कलर कितना अच्छा है अगर आप पालक को बॉईल करते हैं तो उसका कलर ना फीका सा हो जाता है और टेस्ट भी नहीं रहता इस तरीके से हम ब्लांच करते हैं पालक को मतलब पत्तों को थोड़ा सा उबालते हैं खुले पानी में तो बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो देख लीजिए दो मिनट मैंने ढक कर पका लिया और पालक जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिल गया है यहाँ पर ऐड कर दिया है पनीर और पनीर को भी अच्छे से मिला लेंगे पालक के साथ ताकि ये पालक की जो फ्लेवर है वो पनीर में अच्छे से आ जाए बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे मतलब तीन से चार मिनट ढककर इसे पका लेंगे तो ज़्यादा पकाते हैं ना तो फिर पनीर जो है वो चीसा हो जाता है तो बस इसे ढककर पका लेंगे और बाद में इसमें मैंने क्या किया है थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके ऐड कर दिया है जब भी आप सर्व करते हैं तो ऊपर से ऐसे डाल दें बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो चलिए अब मैं बनाती हूँ चपातियाँ पालक पनीर हमारा तैयार हो गया है ब्रेकफास्ट करती हूँ सारा काम करती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद तो सुबह के बाद जब मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ मतलब अभी पाँच बजकर पचपन मिनट हो गए हैं पाँच पाँच कितना अच्छा टाइम है पाँच बजकर पचपन मिनट हो गए हैं तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इन बिटवीन मैंने क्या किया बहुत सारे काम थे घर के झाड़ू पोछा सब कुछ किया आज कपड़े नहीं धुले हैं आज है ट्यूसडे तो बस वही बच्चों का क्लासेस वगैरह का था होमवर्क का था बहुत सारे काम होते हैं वो सब किए सफाई की और उसके बाद ना बैटरी भी नहीं थी मेरे फ़ोन में आज और एक्चुअली आज जिसमें सुजल की क्लास लगती थी वो वाला फ़ोन जो है वो भी टूट गया मतलब वो पहले ही डैमेज था बट कल सुजल रात में टॉर्च लगा रहा था यहाँ पे पिम्पल हो गया टॉर्च लगा रहा था वो पता नहीं मतलब मुंह के बल गिर गया स्क्रीन की तरफ से वो उसका अच्छा मतलब अच्छा ही कल्याण हो गया अच्छे से कल्याण हो गया तो फिर उस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई ब्लॉग शूट करने में तो चलो अभी करते हैं आपसे बातचीत लंच वंच हो गया बर्तनों के इधर ढेर लगे हैं धुल के और हमने बनाई थी सुबह आपने देखी पालक पनीर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी तो उसमें से थोड़ा सा रखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने मलाई रखी है निकाल कर जो हो जाती है एक महीने की पूरी एक महीने कभी ज़्यादा कभी कम भी होती है और इधर मैंने दही रखा है जमने के लिए तो मैं क्या सोच रही थी आज कुछ तरीदार सा बनाऊँ मतलब दाल खाने का भी नहीं मन हो रहा है काफ़ी दिनों से ना दाल से भी मतलब खाई तो नहीं काफ़ी दिनों से दाल वही खाई थी राजमा राजमा तो मैं क्या सोच रही हूँ आज शाम में ना कुछ मतलब दाल भी नहीं बनानी थी और रसेदार भी बनाना था तो मैं सोच रही हूँ आलू न्यूट्री की सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि वो चावल के साथ भी बन जाती है आज सुबह भी सुबह तो वैसे नहीं खाते दोपहर तो में भी नहीं चावल खाए और कल रात को भी मैंने चपातियाँ ही बनाई थी कल दोपहर में चावल बनाए थे तो लावनिया भी अभी बोरी थी मम्मा चावल खाने हैं तो मैं सोच रही हूँ आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाती हूँ लोकल लू मेरे पास है जो मीठे नहीं होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं रस्तेदार भी बन जाएगी और सब्जी की सब्ज़ी भी हो जाएगी तो उसकी प्रेपरेशन ना मैं जल्दी जैसे कर दूँगी नहीं तो क्या होता है कल भी हम बाहर गए कल तो मेरे पास खाना बना था पर बाहर ना फिर मन ही नहीं करता अंदर आने को ठंडी ठंडी सी हवा चलती है तो फिर लेट हो जाते तो मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले खाना बना लूँ और हस्बैंड बच्चे सब निकल गए हैं बाहर सब लोग बाहर खेल रहे हैं तो चलिए पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर बादल भी हैं और के गिरी थी हल्की हल्की और आप में से बहुत सारे लोगों ने मतलब जो मेरे पिछली वीडियो गई है उसमें इस सूट के लिए पूछा है तो ये इस तरीके का सूट है ये देखिए तो काफ़ी लोगों को ये पसंद आया है और पूछा था उन्होंने कहाँ से लिया तो मैंने वैसे तो उनको मैंने कमेंट कर दिया है सबको रिप्लाई दे दिया है मतलब कहाँ से लिया कितने का लिया तो ऐसे ना बहुत सारे कलेक्शन है आजकल जैसे गर्मियों में है ना समर कलेक्शन बहुत अच्छे और ये प्योर कॉटन में आप देख सकते हैं तो ये मैंने ये देखिए कितना खुला मंगवा रखा है मतलब ढीला मंगवा रखा है तो वैसे मेरा साइज़ जो है स्मॉल और मीडियम है मीडियम मुझे आ जाता है मीडियम में लेती हूँ ये मैंने लार्ज लिया है क्योंकि कॉटन है तो ये श्रिंक भी हो सकता है धोकर मतलब इकट्ठा हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा लिंक चेक कीजिएगा उसमें ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे तो उसे आप चेक कर लीजिएगा तो चलिए अभी क्या करती हूँ अभी बनाती हूँ मैं अपने लिए कड़क सी चाय और उसके बाद करते हैं खाना बनाने की तैयारी तैयारी कर ली चाय मैंने बनाकर नहीं पी क्योंकि आज जिम जल्दी, मतलब अभी चले गए तो ये देखिए मुझे लगा वो घूमने गए बट वो तो जिम निकल गए थे तो आलू न्यूट्री को मैंने धो तो दिया है, सोक नहीं करती मैं कई लोग सोक करते हैं, और यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक कट कर, कर लिया है और इधर ना ये देखिए ये है टमाटर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों तो जरूर ऐड करें इनका पेस्ट थोड़ा मोटा रह गया मैं इसे बारीक कर देती हूँ तो बाहर मेरी फ्रेंड्स ना मुझे बट तो मैं ना मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं वही बिजी हो गई थी साथ में काम कर रही थी और साथ में बात कर रही थी तो आज मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी बाहर तो चलिए फटाफट लगाती हूँ मैं तड़का और रेसिपी आज मैंने आपके साथ एक शेयर कर दी है तो ये तो बेसिक सी है अगर आप लोग चाहते हो इसकी रेसिपी कमेंट करके बताना आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही आज मैं फटाफट से बना रही और ये देखिए न्यू मसाला बॉक्स अच्छा है नहीं? बहुत सॉलिड है बहुत ही अच्छा है ये देखिए वुडन वाला मैंने अभी यूज नहीं किया है वुडन वाले को मतलब उसमें मैं खड़े मसाले रखूंगी क्योंकि उसको वॉश करने की दिक्कत होती है ना लकड़ी है कहीं अगर वॉश करेंगे तो पानी सोख लेगी खराब होने के चांसेस रहते हैं तो मैं क्या सोच रही हूँ आ, उसे मैं उसमें मैं मतलब खड़े मसाले सारे रख दूँगी जैसे थोड़े थोड़े तो होते हैं काली मर, आ, काली मिर्चे लौंग इलायची बड़ी मिर्च मतलब जो मेरे पास नहीं होती है पर लेकर आऊँगी मैं दालचीनी वगैरह तो चलिए फटाफट से मैं तड़का लगाती हूँ और बनाते हैं यम्मी सी सब्जी सोच रही थी इसमें दही ऐड करूँ दही मेरे पास है नहीं जमने के लिए रखा है अभी जमा नहीं दही तो बस यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ और साथ के साथ ना बहुत सारे काम रहते हैं जैसे आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ तो इन बिटवीन बहुत सारे काम होते हैं तो जैसा कि आप अभी मुझे देख रहे हैं मैं तड़का लगा रही हूँ मैंने प्याज डाल दी है भूनने के लिए तो जितनी देर हमारी प्याज होती है क्योंकि प्याज जल्दी से नहीं होती है टाइम लगता है तो उतनी देर मैं क्या करती हूँ उतनी देर मैं अपना चॉपिंग बोर्ड और अपनी नाइफ़ जो होती है उन्हें धोकर रख देती हूँ उनकी जगह पर क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है काउंटर टॉप है इतना ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो गिरता रहता है उसे मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ और ये आदत मुझे मम्मी से लगी है मम्मी की भी ऐसी आदत है और साथ में मेरी भी ऐसी हो गई है मम्मी को देख के क्योंकि हम किसी को देख ही काम करना सीखते हैं तो जैसे मैंने मम्मी को देखा है उसी तरीके से मैं काम करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैंने हाथ अपने धो दिए हैं और पोछा भी लग चुका है तो अब मैं इसे साफ़ कर दूँगी जैसे मिक्सी है इसमें मसाला लगा रहता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है तो इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी तो इस तरीके से हमारे काम जो है वो हाथ के हाथ निपट जाते हैं तो अभी ये टमाटर ऐड करने के बाद जितनी देर मसाला भुनेगा तो मैं ये मिक्सी का जार भी धोकर रख दूंगी तो इस तरीके से हमारा किचन जो है ना हम किचन से जल्दी फ्री हो जाते हैं ये बन गई हमार सब्जी थोड़ा प्रेशर बनने देती हूँ उसके बाद सिम कर दूँगी और सब लोग बाहर हैं अंधेरा हो गया नहीं अभी है थोड़ा मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं आगे मैं थोड़ा ना आगे जाकर आती हूँ यहाँ पर है तो टाइम ना साढ़े नौ का हो गया और खाना वाना हमने खा लिया मैं आप लोगों से इन बिटवीन बात ही नहीं कर पाई सासू माँ आई थी बैठे थे हम लोग यहाँ काफ़ी देर अरले में करते हूँ तो यहाँ पर ना लावण्य को एलर्जी सी हो रही है नहीं। 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 हलो, हलो। आज आपने हेलो ही नहीं हेलो हेलो अच्छे से लगा इसको ना खारिश से निकल जाती है मतलब इसको पता नहीं एलर्जी है ऐसे कोहनियों के पास हो जाती है पहले से ही फिर नारियल तेल लगा के हो जाती है ठीक और खाना वाना हो गया जल्दी खा मम्मी बैठे थे काफ़ी देर फिर अभी हम लोगों ने खाना वाना खाया और बर्तन वर्तन धुल के फेस वॉश क्यों ऐसी आती है ऑयल से तो फेस वॉश करके आई हूँ अभी और किचन का सारा काम कर दिया सुबह तक मतलब जो सुबह की प्रिपरेशन रहती है ना जो सुबह बनेगा वो सारा करके आ गया हूँ हाँ ठीक तो ओला बनने को नींद आ रही थी तो मैंने कहा चलिए इसे सुला देती हूँ मैं पहले और बीच में मैं कुछ भी छूट नहीं कर पाई भूल गई और फ़ोन लगा था इस पर चार्जिंग पे दिमाग में भी नहीं रहा और जैसे मम्मी आए थे उनसे बात कर रहे थे तो भूल ही गई तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं सुबह मिलते हैं आपसे हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो अभी टाइम हो गया है साढ़े दस का और ब्रेकफास्ट बनाकर मैं फ्री हो चुकी हूँ बाकी कुछ काम नहीं किए बस उठकर ब्रेकफास्ट बनाए और लाइट नहीं है तभी मैं यहाँ दरवाजे के पास आकर आपसे बात कर रही हूँ लाइट चली गई थी मतलब सुबह से जा रही है आ रही है ऐसा ऐसा रहता है और काफ़ी लोग बोलते हैं ना आप में से कि इन्वर्टर लगवा लग लो तो इतनी भी जरूरत नहीं है इन्वर्टर की तो आ जाती है लाइट वैसे कभी जैसे बरसातों में ना जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है तो उस वजह से पोल वोल अगर गिर जाए उस वजह से लाइट नहीं रहती इन्वर्टर की इतनी ज़रूरत नहीं है तो बाहर आपको दिखाऊँ मैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ये देखिए बच्चे जो हैं वो क्लास लगा रहे हैं बेचारे अंधेरे में ही क्लास लगा रहे हैं पीछे हैं दोनों अपने अपने लगे हैं एक को अभी ब्रेक मिला है तो वो एक की शायद ड्राइंग की क्लास लग रही है इधर बिल्कुल अंधेरा है तो इधर लग रही है अभी क्लास और मुझे ना आज कपड़े भी धुलने थे तो अभी तक मतलब पानी गरम नहीं हुआ ऐसे बात करनी पड़ेगी पानी गर्म नहीं हुआ तो कपड़े कैसे धुलेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और मैंने आ, मैं आज बनाने वाली थी गोभी हस्बैंड गोभी लेकर आए हैं और गोभी में इतने कीड़े ना ग्रीन कलर के कीड़े पे कीड़े मुझे लगा चलो नहीं होंगे जैसे खोल खोल के मैं देख रही थी अंदर कीड़े मतलब चार पाँच कीड़े मुझे एकदम पहले मिल गए तो मैंने उनको बोला बस मैं नहीं बनाती फिर मुझे ना डर लगा रहता है फिर लाइट चली गई थी तो मैंने वो पूरी मतलब फेंक दी वो गोभी मैंने नहीं बनाया उसका कुछ तो कोई पता नहीं रहता अंदर कीड़े रहते हैं और पहले ही इतनी भयंकर फैली हुई है और कीड़े भी जहरीले होते हैं और ऐसे कीड़ों से मुझे ज्यादा डर लगता है तो मैंने बनाया आज प्लेन परांठे अचार के साथ मैंने अभी नहीं ब्रेकफास्ट किया बच्चों ने सुजल ने कर लिया है लावण्य ने नहीं किया और अंदर देखो मतलब इसका ड्राइंग का कुछ चल रहा है तो वही कर रही है ये तो आज मतलब सुबह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई मुझे लगा था मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी थोड़ा बहुत कुछ और शेयर करूँगी पर कुछ नहीं कर पाई लाइट की वजह से और अब जो है मैं ऐसा करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ इस वीडियो को मैं आज आप तक पहुँचा दूँगी नहीं तो बहुत लंबे वीडियोज़ हो जाते हैं मेरे पास पेंडिंग भी पड़े और हाँ आज मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो अभी अभी अपलोड किया है तो प्लीज़ उसे आप लोग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वो हमारे हिमाचल की ट्रेडिशनल फूड है सिडू आप में से काफ़ी लोगों को पता है मैंने मेरे मतलब मायके में सिड्डू बने थे तो आप में से कुछ लोगों ने बोला भी था कि रेसिपी शेयर करना तो इस चैनल पर ना फिर पेंडिंग पेंडिंग बहुत हो जाता है तो मैंने वो दूसरे चैनल पर शेयर कर दिए हैं लिंक मैं कम्युनिटी में भी दे दूँगी और कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँ आप लोग प्लीज़ उसे देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मैं ना अपनी वीडियो शेयर करने को कभी नहीं बोलती हूँ जो कुछ ऐसी होती है खास वीडियोज़ जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस ट्रेडिशनल फूड या हमारा कोई ट्रेडिशन मैरिज हो गया कोई ऐसे रीति रिवाज़ ये मैं आपको शेयर करने को बोलती हूँ तो ज़रूर उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग भी बनाइएगा खाइएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे बने थे तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इधर मैं आपको दिखाऊँ ये देखिए ढेर लगे हैं अभी और अंधेरा हो ना तो कुछ काम नहीं होते हम लोग ग्राउंड फ्लोर में है ना और बिल्डिंग ऊंची है तो उस वजह से क्या रहता है अंधेरा मतलब अंधेरा रहता है तो बाहर तो बहुत अच्छी खासी धूप के लिए आज बादल भी आ गए जैसा मैंने आपको दिखाया ये देखिए कल भी ऐसा ही मौसम था मतलब बादल बादल आ जाते हैं सुबह बिल्कुल क्लियर होता है और अभी तक मैं कर रही थी पापा से बात पापा का फ़ोन आया था पापा से बात बहुत कम होती है आ, हफ्ते में या दस दिन में एक बार होती है पर फिर अच्छे से कर लेते हैं तो चलिए इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड और हाँ कुर्ती के लिए वो लिंक जो है मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर